Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum. We are back. इस बार आपके लिए एक बड़े interesting बात है, एक बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है जो हम लेकर आए हैं और I hope कि आप लोगों को भी ये बात उतनी ही लम्हे फिक्रिया लगे जितनी ये सारा कुछ सोचने समझने और फैक्ट एंड फिगर्स पढ़ने के बाद मुझे लगी है. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दीज डिटेल्स विद यू नाउ. अच्छा, दिस इज़ ऑब्वियस. मेरा ख्याल है हर एक एक बंदे को अब तो पता है पूरी दुनिया में कि कोरोना वायरस से सब तक फैल चुका है. कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ, ओवरऑल एक जो पूरी स्टोरी थी दैट ऑल इज़ you know moving on. okay fine, that is nothing new to talk about. is pe already bahut se videos ban rahi hai, humne khud I guess 2 videos hamari apni taraf se is topic pe bani hai. lekin ab point ye hai isme ek conspiracy theory hai aur wo bahut interesting hai. sabse pehle hum aapko batate hain ek mahine ka एक स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ पूरी दुनिया का, ठीक है. उसमें जो जो कोरोना वायरस की वजह से चेंजेस आए वो बताते हैं आपको. उसके बाद एंड में आपको हम लोग वो बात बताएंगे कि एक्चुअली में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या. अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज -26%, मतलब 26% स्टॉक एक्सचेंज ग्राफ गिर गया अमेरिका में. इंग्लैंड में भी 26% गिरा, कनाडा में 25%, पोर्टुगाल में 27%, फ्रांस में 20%, साउथ अफ्रीका में 16%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुतहदा अरब इमारात में 19%, ऑस्ट्रेलिया में 24%, इंडिया में 14%, कोरिया में 17% और बाकी चंद एक और ममालिक में जहां पे ये फैला वहां पे 17% और 12% की शरह से स्टॉक एक्सचेंज गिरी मार्केट पूरी दुनिया में, ठीक है. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जहां पे कोरोना वायरस पैदा हुआ, जहां पे कोरोना वायरस सबसे पहले आया वो क्या था, चाइना. चाइना की स्टॉक एक्सचेंज 0.3% इंक्रीज कर गई. समझ आई आपको अब थोड़ा बात कि व्हाट आई एम कमिंग टू. चाइना की जो हमारी वर्ल्ड वाइड स्टॉक एक्सचेंज थी वो ग्रो कर गई है और बाकी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के है वहाँ पे मैंने आपको परसेंटेजेस बताई हैं, 26%, 27%, 20%, 25% की रेशियो से स्टॉक एक्सचेंजेस गिर गई हैं. ओके, अब चाइना इस पैंडेमिक डिजीज का, इस पैंडेमिक वायरस का क्रिएटर था. लेकिन मौजाना तौर पर चाइना इस डिजीज से रिकवर कर गया और अब चाइना में मजीद कोई केस नहीं है कोरोना वायरस का. सबसे पहले ये क्रिएट भी इन्होंने किया, सबसे पहले रिकवर भी इन्होंने किया. अब अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता ये जो एक ट्रेड वॉर चल रही थी यूएसए और चाइना में, ये समहाउ उसका कोई लेना देना है या समहाउ उसका एक स्टेप था ताकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो डाउन की जा सके. इसके अलावा अगर इस पूरी बात को मज़ीद कीनली ऑब्ज़र्व किया जाए तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं
इस पूरी बात के पीछे जो एम था वो ये था कि बाकी पूरी दुनिया को डाउन किया जाए, रिसेशन में लेके जाया जाए एंड चाइना वुड बी द ओनली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पावर इन द वर्ल्ड। China bought almost everything. It devalued on the stock exchanges around the world. With the Chinese became owner of the global companies that are in China without the money even leaving from China. शायद अभी भी इन चीजों में बहुत सी ऐसी बातें मिसिंग हो कि जो प्रूव कर सके दैट चाइना ने ये जानकर पूरी दुनिया को इस चीज में डालकर खुद नॉर्मलाइज हो गए हैं। थिंक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस इट, लेट्स ग्रो अप इस पूरी चीज से निकल के अब ये सोचें कि क्या वाकई चाइना के साथ इतनी ट्रेड जो हम कर रहे हैं सी पैक और गवादर पोर्ट्स की ट्रेड एंड ऑल दैट ट्रेड्स, क्या करना वो जायज़ है? क्या वाकई हमें चाइना जैसे कंट्री के साथ ये सब करना चाहिए, इस तरह की ट्रेड्स करनी चाहिए और इतना ट्रस्ट उनको देना चाहिए? लम्बा फिक्री है, मैं इस रिसर्च से पहले तक इतना अगेंस्ट या इतनी सोच में नहीं थी, बट यस नाउ ऑनवर्ड आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम री थिंकिंग अबाउट माई एसोसिएशन विद चाइना। Stay tuned, we'll bring up something more interesting to you in the next video. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.